देखिए उस वक्त जो सरकार ने वादे किए थे आंदोलन समाप्त करते टाइम जो वादे किए थे, जो लिख के भी दिया था, उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी है। रेलवे के केस है, अभी तक सरकार मतलब जो केंद्र सरकार है उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया, हमने आरटीआई मांगी थी। कुछ केस ऐसे हैं जो पुलिस ने लिख के दे दिया लेकिन कोर्ट में पेंडिंग है, जैसे मेरा ही लाइसेंस रद्द कर दिया, असले का लाइसेंस। अब मैं तो कहीं चलाया तो है नहीं लेकिन फिर भी रद्द कर दिया, और बाहर घूमता हूँ खतरा भी है। जहाँ से दिल्ली कुछ किया था बैरिकेड तोड़ते हुए, मोड़ा अनाज मंडी बाड़ा के पास में है, तो वहाँ पे बड़ा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद वहीं से हम कड़ा आंदोलन करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पर। भारतीय किसान यूनियन ने एक बार फिर से रेल रोकने का आह्वान किया है और कह रहे हैं कि अम्बाड़ा में हम जो मोड़ा है वहाँ पर रेल रोकेंगे। क्यों रेल रोक रहे हैं, अब दोबारा से क्या किसान यूनियनों को दिक्कत हुई है जो इस प्रकार का आह्वान कर रहे हैं, इस पर पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गुरनाम सिंह चिड़ूनी, किसान नेता है। नेताजी, आंदोलन तो पहले ही बड़ा लंबा हो गया था, अब एक बार फिर से नए आंदोलन की तैयारियाँ क्यों? देखिए उस वक्त जो सरकार ने वादे किए थे आंदोलन समाप्त करते टाइम जो वादे किए थे, जो लिख के भी दिया था, उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी है। अभी दो दिन पहले बयान आया है केंद्रीय कृषि मंत्री का, उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी पे कोई विचार नहीं करेंगे। अरे ये क्या बात हुई, वादा किया है वहां से वादा करके उठाए, अब कह रहे हम विचार नहीं करेंगे। रेलवे के केस है, अभी तक सरकार मतलब जो केंद्र सरकार है उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया, हमने आरटीआई मांगी थी तो केस वापस करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया। और उसके अलावा कुछ स्टेट के केस हैं, तो ये मतलब जो वादे हैं उनसे सरकार मुकर रही है, और अगर सरकार उससे मुकरेगी तो फिर मैदान में आना पड़ेगा। केस वापसी में जो स्थानीय हरियाणा की बात करें उसमें क्या दिखते हैं? नहीं, हरियाणा सरकार ने जो है सारे केस वापसी का ऑर्डर दे दिया था और उसमें ज़्यादातर केस वापस हो गए हैं। उसमें दो केस हैं, एक शाहबाद का, एक इस्माइलाबाद का, जो वापस नहीं हुए हैं, जो मंत्रियों के साथ झगड़े गए थे, दो वो पेंडिंग है। और हिसार के भी कुछ केस वापस? नहीं, हिसार में जो था वो कुछ केस ऐसे हैं जो पुलिस ने लिख के दे दिया लेकिन कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में आगे तारीख पड़ी हुई है, वो अभी तक वापस नहीं हुआ। और उनकी वजह से बहुत से जो काम हैं, जैसे किसी का पासपोर्ट है, किसी का लाइसेंस है, किसी का कोई और काम है, वो रुके हुए हैं। सरकारी काम रुक गए, सरकारी काम सारे रुक गए। और तीसरा जो है, सरकार कुछ ऐसी भी कर रही है कि जो आंदोलनकारी है उनको किसी तरह से प्रताड़ित करे, जैसे मेरा ही लाइसेंस रद्द कर दिया, असले का लाइसेंस। अब मैं तो कहीं चलाया तो है नहीं लेकिन फिर भी रद्द कर दिया, और बाहर घूमता हूँ खतरा भी है। और तीसरी चीज ये है कि जो पुराने केस थे जिनका वादा किया था उन्होंने वापस लेने का, 30-31 केस पुराने हैं आंदोलन से पहले के, वो भी अभी तक वापस नहीं हुए हैं। ये स्टेट सरकार के इतने पेंडिंग है, लेकिन जो आंदोलन के दौरान केस हुए थे उन्होंने ज्यादातर केस वापस हो गए। अच्छा, जब आप लोगों का फैसला हुआ था, जब किसान आंदोलन को आपने लोगों ने, आप कहते हैं स्थगित किया, वैसे तो समाप्त हुआ मान के चले, आपने जब स्थगित किया उस किसान आंदोलन को, उस टाइम में क्या आप लोगों के लिखित में कुछ ऐसे नहीं कहा था उन्होंने कि भाई जो एमएसपी के को लेकर के भी आप लोग जो जिक्र करें कि एमएसपी देंगे, निर्णय क्या हुए थे उस टाइम पे? हम वही कह रहे हैं ना कि स्थगित किया था, और वो ये था कि जैसे मान लिया उन्होंने केस तो कहा था कि केस हम वापस ले लेंगे, लिए तो नहीं थे ना, ले लेंगे, जब ले लेंगे की बात आई तो उसी तरीके से हमने भी उसका जो है वो आंदोलन को ये रख दिया था कि ठीक है स्थगित कर रहे हैं। और एमएसपी पे उन्होंने कहा था कि हम कमेटी बना देंगे और एमएसपी हम देंगे, और अब तो उन्होंने कह दिया कि हम विचार ही नहीं करेंगे। और ऐसे ही जो पराली के मुकदमे बनाते हैं, हमने ये कहा था कि पराली के मुकदमे हमारे में बनते नहीं है, ना हमें शौक है पराली जलाने का, आप उसका इंतजाम करिए, आप जो पैसे देने थे जो 1000 रुपये किला कहा था वो भी किसान को नहीं मिल रहा। अब मैं कुरुक्षेत्र की बताऊं आपको, जो पराली जलाने के केस थे उनमें मतलब उसमें 1000 रुपये किला पराली के नाम का जो सरकार को देना था, उनमें जिसने ठेके पे जमीन ली हुई है और उस ठेकेदार के नाम पोर्टल है, उस पोर्टल पे जरी तो बिकी, लेकिन पराली का जो 1000 रुपया देना वो उसको नहीं दे रहे, वो कह रहे मालिक को देंगे, मालिक के नाम पोर्टल नहीं है, मालिक को इसलिए नहीं देते कि तूने खेती नहीं की, ठेकेदार को इसलिए नहीं देते कि तेरी जमीन नहीं है, क्या अकेले कुरुक्षेत्र में ना पिछले साल मिलने में क्या मिले। अच्छा, तो उलझा दिया कुंडी को। हाँ, उलझा दिया, ना पिछले साल मिले और ना के साल मिले। तो कल बल्कि मैंने बात भी की थी इनसे, प्रशासन से, तो इस तरह से मतलब
जो है वो उनको जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम नहीं पराली के करेंगे, लेकिन फिर कर रहे हैं। और जैसे प्रशासन क्या कहता है 1000 रुपये देने वाली बात? हमने इनको लेटर भी दिया था पहले, जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो कहते हैं जी हमने तो ऊपर भेज रखा है, यहाँ की जो एक कमेटी है उस कमेटी को करना है, तो कमेटी का चेयरमैन डीसी है, डीसी साहब से कल बात करने लगे तो बात कल हो नहीं पाई, कहीं मीटिंग वगैरह में थे उनसे हो नहीं पाई, एग्रीकल्चर वाला से हुई थी, उन्होंने घुमा दी, गोड़ मोड़ कर दी, पिछले साल भी नहीं दिए। तो अब आगे क्या तैयारियां हैं? आगे 24 तारीख को जो है सर छोटराम जयंती है और 2 साल पूरे हो रहे हैं दिल्ली कूच के, तो जहाँ से दिल्ली कूच किया था बैरिकेड तोड़ते हुए मोड़ा अनाज मंडी माड़ा के पास में है, तो वहाँ पे बड़ा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद वहीं से हम कड़ा आंदोलन करेंगे। नहीं, ये निर्णय ले लिया गया है या फिर वहाँ डिस्कस के बाद ही निर्णय लिया जाएगा रेल रोकनी यानी क्या करना? नहीं नहीं नहीं, निर्णय ले लिया है। निर्णय का तो ये है कि अगर ये केस वापसी वाला मैटर है ये तब तक सॉल्व हो जाता है, तब तक सॉल्व हो जाता है फिर हम रेल नहीं रोकेंगे। एक सप्ताह बाकी है, एक सप्ताह बाकी है और हरियाणा सरकार के केस भी उसमें शामिल हैं, तो जब अगर ये सारे वापस ले लेते हैं तो बाकी पेंडिंग मुद्दे हैं उन पर आंदोलन फिर हम मतलब रेल नहीं रोकेंगे, कुछ और आंदोलन आगे करेंगे। बिल्कुल, गुरनाम सिंह जडूनी मेरे साथ हैं और एक नए आंदोलन की आहट हरियाणा में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि सरकार ने वादा खिलाफी की है, जो वायदे उनसे किए गए थे केस वापसी के वो नहीं लिए गए हैं। हालांकि अनिल विज कहते हैं कि हमने केस वापस ले लिए हैं, कुछ कोर्ट के केस हैं वो कोर्ट के थ्रू होंगे, पर इस पर भी गुरनाम चुडुनी का कहना है कि कोर्टों के द्वारा भी उनमें आगे से आगे डेट दी जा रही है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। खैर, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, क्या आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सेगमेंट मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।